versatile product. We can use it in various applications as an ये बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने, क्या बच्चों को पता लगे कि एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उनको आगे अगर रिसर्च भी करनी होगी तो उनके पास एक आइडिया रहेगा कि वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना उसको बहुत फोकस नहीं मिल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी को। और अभी जैसे सेमिनार में बताया सर ने कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे कि वो फैब्रिक्स में हो, पेंट्स में हो, हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो बच्चों को एक वाइड स्कोप मिलेगा कि वो किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हो। इसको इंडस्ट्री बेस्ड चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वैब में काम कर सकते हो, आप इंडस्ट्रीज में भी जाके इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से जो यहाँ पर लिया गया है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 10 इन्वाइटेड टॉक लेक्चर होने वाले हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नैनो टेक्नोलॉजी हमारे विश्वविद्यालय में एक केमिस्ट्री में नया पेपर जुड़ा है, जिसका कि आज हमारे पास फैकल्टी नहीं है। इस लेक्चर को सुन के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी नैनो साइंसेस के ऊपर है, उनको बहुत लाभ होने वाला है। और साथ साथ जो पार्टिसिपेंट का इंटरेक्शंस है, तो इंटरेक्शन से एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को पेपर जो उनके रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको एक दूसरे से शेयर करके भी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स और इवन देन फैकल्टी मेंबर को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट को ही फायदा होने वाला, मुझे खुद फायदा होने वाला है। मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ होगा। कॉन्फ्रेंस रसायन शास्त्र और नैनो साइंसेज जो कि आजकल के जो रिसेंट विषय हैं, तत्कालीन विषय हैं, उसके संदर्भ में था, और जो इस समय वर्तमान जो अर्वाचीन ज्ञान जिसको कहते हैं उसमें सब चीज़ें हैं। रसायन शास्त्र अपने आप में एक ऐसा विषय है कि दुनिया में बहुत सारा रोजगार इससे भी जुड़ा हुआ है, और साइंस की जो मूलभूत बेसिक साइंसेज में आता है मूलभूत जानकारी वो इसमें इन्वॉल्व है। नैनो साइंस जो लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मिनिएचराइजेशन से जुड़ी हुई हैं, इसमें नए नए इलेक्ट्रिकल और इसमें कैटालिटिक उत्प्रेरक की चीज़ें हैं, और बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम है स्वास्थ्य के संदर्भ में भी, मटेरियल साइंस के भी संदर्भ में भी, वो सारी चीज़ें उसके बारे में जो उसके फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, रीसेंट एस्पेक्ट जो लेटेस्ट वर्ल्ड में ट्रेंड है उसके बारे में यहाँ के लोगों को सब विद्यार्थियों को पता चला। बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, स्टूडेंट्स ने बहुत इंटरेस्ट लिया, विद्यार्थी बड़े क्यूरियस हैं, बड़ी जानने की विद्यार्थियों बड़ी इच्छा है, और इस तरह का एक्सपोजर ऐसे थोड़ा सा रिमोट एरिया में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कराना बड़ी भारी उपलब्धि होती है।